हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ WS क्यूब टेक। मैं पूजा मोथा, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइमर का एग्जांपल। अब हम लोग ओपन करेंगे RS लॉजिक्स 500। RS लॉजिक्स 500 में हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमारी न्यू फाइल। न्यू फाइल में जो हमारी PLC है वो सेलेक्ट करेंगे, माइक्रो लॉजिक्स 1100 सीरीज भी जो कि हमारी है। और सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हमारे सामने एक विंडो ओपन हुई है, एक है लैडर 2 जो कि यूजर के लिए है और एक है अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड के अंदर हमने जो सेलेक्ट किया है प्रोसेसर यानी कि माइक्रोलॉजिक्स 1100 सीरीज भी, उसके बारे में हेल्प या उसके जो कंट्रोलर्स है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख सकते हैं। अब जो लैडर 2 है वो यूजर के लिए डिफाइंड होती है। अब जो लैडर 3 से लेकर लैडर 255 तक यूजर अपना सब रूटीन फाइल क्रिएट करता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है टाइमर का एग्जाम्पल। तो हम लोग ने रंग सेलेक्ट की, एक स्टार्ट स्टॉप बटन लिया और एक आउटपुट लिया, और इस आउटपुट को मैंने स्टार्ट बटन के पैरेलल यानी कि लैच में दिया है, और लैच में मैंने सेलेक्ट किया NO स्विच और इनकी एड्रेसिंग की है। तो मेरा फर्स्ट है वो है i:0/0, वो हो गया मेरा स्टार्ट बटन, इसको ओके करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा i:0/1 जो कि हमारा स्टॉप बटन है। अब जो हमारा आउटपुट है यानी कि b:0/0, ये जो होती है ये होती है हमारी होल्ड बिट, इसलिए मैंने यही नेम इसको दिया है यहाँ पे। अब सेकंड रंग को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक इनपुट लिया NO, और NO की जो मैंने की है एड्रेसिंग वो की है B3 बिट की। जब मेरी B3 बिट ऑन होगी तभी मेरा एक टाइमर ऑन होना चाहिए। तो इसलिए जो ऊपर हमारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसमें से मैंने टाइमर और काउंटर सेलेक्ट किया, और उसमें से मैंने टाइमर में भी टी ऑन यानी कि टाइमर ऑन डिले सेलेक्ट किया। अब टाइमर ऑन डिले में मैंने टाइमर की एड्रेसिंग की t4:0, t4 यानी कि टी जो है वो है मेरा टाइमर, 4 जो है वो फाइल है, फोर्थ फाइल जो टाइमर यूज लेता है ABPLC में, और 0 वर्ड है। ये हो गया हमारा टाइमर 1। अब इसके अंदर आता है टाइमर बेस। टाइम बेस में हम लोग 1 ले सकते हैं, 0.01 और 0.001, तो मैंने सेलेक्ट किया 1। अब मैं दे रही हूँ प्रीसेट वैल्यू यानी कोई वैल्यू जिसको जिसमें मेरे को डिले देना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया 5, तो 5 सेकंड का डिले लेना है। अब हम लोग देखते हैं, हमने सेलेक्ट की रंग नेक्स्ट और उसमें एक इनपुट लिया। अब ये जो इनपुट है इसके मैं एड्रेसिंग करूंगी t4:0/13 यानी कि मैं टाइमर 1 की डन बिट। जब मैं टाइमर 1 की डन बिट ऑन होगी तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो मेरा जो आउटपुट है o:0/0 जो कि है लाइट, अब जब मैंने स्टार्ट प्रेस किया तब मेरी होल्ड बिट ऑन हुई। जैसे ही मेरी होल्ड बिट ऑन हुई वहां पे एक 5 सेकंड का डिले ऑन हुआ यानी कि 5 सेकंड डिले होगा। जैसे ही 5 सेकंड हो जाते हैं प्रीसेट की वैल्यू एक्यूमुलेटर के इक्वल होगी और उस समय डन बिट ऑन हो जाएगी। तो मेरे जो एक टाइमर है टाइमर 1 की डन बिट में मेरा आउटपुट यानी कि लाइट 0:0 ऑन होना चाहिए। तो अब हम लोग जाएंगे प्रोसेस स्टेटस पे। प्रोसेस स्टेटस में डाउनलोड, ओके, यस एंड ओके एंड देन यस। अब मेरी जो PLC वो ऑनलाइन जा चुकी है यानी कि मैं PLC PC के साथ कम्युनिकेटेड है।
अब जैसे ही मैंने पैनल पे स्टार्ट बटन ऑन किया, मेरी होल्ड बिट ऑन हो गई। होल्ड बिट ऑन होने के 5 सेकेंड बाद मेरा लाइट भी ऑन हो गया। ये है हमारा टाइमर का एक फंक्शन। इसी तरीके से हम टी ऑफ और आरटीओ के लिए बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।